हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास ऑर्डर रैंकिंग है। रीजनिंग की सीरीज में 10 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करने में आज हम रोड ऑर्डर रैंकिंग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने काउंटिंग फिगर कंप्लीट करा था, 4 पार्ट में कंप्लीट करा था एक काउंटिंग फिगर, जिसमें हमने ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब के बारे में जानकारी करी थी। और आज की हमारी क्लास है ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग के बारे में आज हम समझेंगे। ऑर्डर रैंकिंग क्या है? ऑर्डर रैंकिंग मतलब हिंदी में जैसे कहते हैं हम क्रम निर्धारण। ऑर्डर रैंकिंग में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? पहली चीज, ऑर्डर रैंकिंग में क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। एक पर्सन है ए, मान लो मेरा नाम अब्दुल है, मेरी राइट से पोजीशन 15 है और लेफ्ट से पोजीशन 13 है, तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मेरे राइट एक दो पर्सन ले लेते हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है राजा। उन दोनों के बीच में मेरी पोजीशन दे दी राइट से, उसकी पोजीशन दे दी लेफ्ट से, हम दोनों के बीच में कितने पर्सन है? इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर रैंकिंग में। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके सब क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट होता है टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? जो टोटल नंबर्स निकालने हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन निकालते हैं, ठीक है। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन एक एक करके समझाता हूँ, तीनों टाइप के एक एक केस समझा देता हूँ। चलते हैं पहले केस की तरफ। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन से तीन केस बनते हैं, तीनों केस आपको समझाता हूँ। पहला केस बनता है, क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि राम की राइट से पोजीशन कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। राम की राइट से पोजीशन 15 दे रखी है और राम की लेफ्ट से पोजीशन 10 दे रखी है, तो आप टोटल नंबर्स बताओ। टोटल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। राइट कितने मिले? 15 राम की, और लेफ्ट से कितनी है? 10 माइनस वन कितना आ गया? 24। उस रो में कितने बच्चे थे? 24। ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस है, टोटल नंबर दे रखे हैं, राम की राइट से पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट से आपसे पोजीशन पूछिए। फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है? टी इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन। 24 टोटल नंबर दे रखे हैं, राइट से पोजीशन दे रखी है 15, लेफ्ट से मुझे नहीं पता है माइनस वन, तो 15 14 इधर आगे माइनस के 14 जाएंगे। राम की लेफ्ट से वैल्यू कितने अभी? 10 आगे। थर्ड क्वेश्चन, इस टाइम में क्या पूछा जाता है? टोटल वैल्यू दे देते हैं, लेफ्ट से वैल्यू दे देते हैं और राइट से पोजीशन पूछ लेते हैं। फॉर्मूला लगा लेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। लेफ्ट प्लस राइट आगे लिख लो, पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। टोटल दे रखा है 75, लेफ्ट से वैल्यू पता नहीं मुझे, लेफ्ट से दे रखी है 30, राइट की वैल्यू मुझे पता नहीं है माइनस वन, तो 75 30 माइनस वन 29, इधर आके माइनस के 29 इक्वल टू राइट से वैल्यू हो जाएगी, माइनस करने के कितना देगा? 54। राम की राइट से वैल्यू कितनी आ गई? 46 आ गई। ये तीन केस बनते हैं टोटल के केस में, कि आपको टोटल दे देगा, लेफ्ट दे देगा, राइट की पूछ लेगा। टोटल दे देगा, लेफ्ट की दे देगा, राइट पूछ लेगा। सेकंड केस, लेफ्ट और राइट दोनों दे देगा, टोटल पूछ लेगा। इस टाइप से तीन केस बनते हैं। चलते हैं टाइप टू पर ऑर्डर ऑफ रैंकिंग के। सेकंड केस बनता है वहाँ मिड पर्सन। मिड पर्सन क्या होता है? देखो दो पर्सन है, पी और क्यू दे रखे हैं, पी की वैल्यू दे रखी है, पी की पोजीशन दे रखी है और क्यू की पोजीशन दे रखी है, और आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं। इसमें दो केस बनते हैं। देखो कैसे समझाते हैं। दो केस, पहला केस ही बनता है, पी और क्यू की वैल्यू टी से छोटी होती है। पहला केस तो ये बनता है, पी और क्यू की वैल्यू टी से छोटी होती है, पहला केस ही बनता है। और सेकंड केस ही बनता है, पी और क्यू की वैल्यू टी से बड़ी होती है। दो केस बनते हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगर पी और क्यू की वैल्यू टी से छोटी होती है, पी और क्यू दोनों को जोड़कर टी से छोटा होता है, तो फॉर्मूला होता है मिड पर्सन निकालने का, उन दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं, टी माइनस पी प्लस क्यू।
अगर P और Q की पोजीशन को प्लस कर लें, उनका मान T से कम आए तो फॉर्मूला होता है T माइनस P प्लस Q, टोटल माइनस P और Q की पोजीशन को प्लस कर लेंगे फिर माइनस कर लेंगे, पहला केस। सेकंड केस होता है P और Q की वैल्यू T से ज़्यादा हो जाए, टोटल से ज़्यादा हो जाए, तो ये कहलाता है ओवरलैपर केस कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिड परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है P माइनस P माइनस T माइनस 2। ये फॉर्मूला होते हैं दो, ठीक है, याद रखना। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा उतना नोट्स बना लो, उससे ज़्यादा भाग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला केस देखते हैं, पहला केस क्या है, P की वैल्यू 22 है, Q की वैल्यू 38 है, इन दोनों को जब मैंने प्लस करा तो 60 आ गया, मतलब टोटल से कम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, टोटल माइनस P प्लस Q, टोटल मेरा 70 हो गया, माइनस P और Q की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस करने के 60 आ जाएगा 10, P और Q के बीच 10% है, P और Q के बीच 10% है। ठीक है, सेकंड टाइप क्या होता है, जब P और Q की 16 और 15 कितना होगा, 31, ये टोटल से ज्यादा होगा ना, टोटल कितने बनते हैं 22, तो टोटल से ज्यादा हो गए, तो सेकंड केस क्या बनता है, P प्लस Q माइनस T माइनस 2, मिड पर्सन निकल लेंगे, ये कितने हो 31, टोटल है 22 माइनस 2, 31 माइनस ये 23 हो जाएंगे, दोनों प्लस के थे माइनस के थे प्लस हो जाएंगे, अब माइनस कर लेंगे 7 और 1 और, P और Q के बीच में कितने परसेंट है, 8%। ठीक है, ये बेसिक चीजें ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद है तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है ऑर्डर रैंकिंग में, लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो लास्ट टाइप होता है मैक्सिमम और मिनिमम। क्वेश्चन किस टाइप का आता है, पहले क्वेश्चन समझो आप, जैसे इसी क्वेश्चन लेते हैं, कमला की लेफ्ट से 12 पोजिशन है, और कमला की राइट से 26 पोजिशन है और उन दोनों के बीच में 2% है। कमला की लेफ्ट से 12 पोजीशन है और सीता की राइट से 26 पोजीशन है और उन दोनों के बीच में 2% है, तो उस रो में कितने मैक्सिमम कितने लोग हैं, मैक्सिमम के केस का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। मैक्सिमम पूछेंगे तो आप कहेंगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड कितना हो जाएगा, 12 + 26 + 2 कितने हो गए, 12 और 26 हो गए हमारे 38, 40। मैक्सिमम पर्सन किस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टाइम में, मैक्सिमम 40 हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मिनिमम पूछा जाए मिनिमम का फॉर्मूला होता है L प्लस R माइनस मिड पॉइंट मिड माइनस 2, जो मिड में आएंगे 12 + 26 माइनस मिड कितना 2 माइनस 2, ये कितना हो गया 12 और 38 माइनस 4 कितना होगा 30, ऐसे निकालेंगे आप। अगर मैक्सिमम पूछेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड करेंगे, अगर मिनिमम पूछेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, ये हमारे ऑर्डर और रैंकिंग क्रम निर्धारण के कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट के अलावा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बाकी आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी अच्छी स्पीड आएगी, उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो आपका कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन फॉर्मूलों को लिखें, अपनी कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं। आई होप आपको यह सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।